तो वो जो आप फिल्म में देखे थे आज वास्तविकता में देखिए कि इधर जात पात का इधर से शंखनाद किए और जनता देश की बात किया, देश का रक्षा धर्म का रक्षा का जो बात करेगा आज जनता उसके तरफ है, इसी का ये परिणाम। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। तीन राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा खुशियां जाहिर की गई, पटाखे छोड़े गए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी जी है। तीन राज्यों में आप लोग चुनाव जीत लिया है, कितनी खुशी है? खुशी का लहर है केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, देश के उन तमाम लोगों में खुशी का लहर है जिन्हें ये लगता था कि देश का मूड कैसा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे माँ बहन बेटी घर में जब भोजन पकाती है तो पूरे हांडी भर का चावल नहीं देखती है, एक दो चावल देख के पता चल जाता है ये हांडी का चावल पका या नहीं। उसी प्रकार ये पांच राज्यों का जो चुनाव है आज देश का मूड बता दिया। देश का क्या मूड है? जो सनातन को मिटाएगा हम उसे मिटाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दिखा दिया देश। कई लोगों का कहना है कि मोदी मैजिक चल गया है। बिल्कुल चल गया है, चलेगा नहीं भाई। एक जमाना था जब मान्यता बना हुआ था, कोई आश्वासन देते थे, कुछ भी आश्वासन दे देते थे, लोगों को लगता था ये नेता का आश्वासन है। लोग विश्वास नहीं करते थे, 90% लोग विश्वास नहीं करते थे। एक जमाना आज है जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब कहीं कुछ बोलते हैं तो लोग को अटूट भरोसा होता है, विश्वास होता है, जो बोलते हैं वो करते हैं। और सब लोग ये मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहते हैं, देश के लोग कहते हैं। आज आपने देखा, इसी का ये परिणाम है। बिहार में हमारे महागठबंधन के लोग कैसा नीति अपनाए, सदन जो दिसंबर में होना चाहिए था उसको जबरन इससे पहले बुला लिया गया कि किसी तरह यहां जात पात का अगर आप पिछड़ा का हम यहां से मैसेज दे। लेकिन मैसेज क्या गया मैं बोलता हूं कि आप क्रांति फिल्म में देखे थे कि इधर से बदमाश गोला रख कर तोप में चलाता है और हीरो को उधर फूल का माला उसको गले में चला आता है। तो वो जो आप फिल्म में देखे थे आज वास्तविकता में देखिए कि इधर जात पात का इधर से शंखनाद किए और जनता देश की बात किया, देश का रक्षा धर्म का रक्षा का जो बात करेगा आज जनता उसके तरफ है, इसी का ये परिणाम। तीन राज्यों में मोदी का मैजिक चल गया, तो क्या बिहार में भी मोदी मैजिक चलेगा? यहाँ हमारे बिहार के नेता सब जो सपना देख रहे हैं ना कि मैं पुनः जंगल राज कायम करके दहशत फैला के गोली के तड़तड़ाहट से और शराब बांटकर हम जो फिर से हम यहाँ हम सत्ता में आ जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। अब लोग इन सब से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट करेंगे और यहाँ भी वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में और 24 में पूर्ण का पूर्ण सीट यहाँ से जीतकर हम प्रधानमंत्री बनाने में बिहार अव्वल होगा पूरे देश में। क्या लगता है इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? बिखर जाएगा, अरे जब से बना तब से आप कब देखे हैं उसको एक मुट्ठी के अंदर? वो तो हमेशा जो है तराजू पर जो बोलेंगे नहीं कहता है, एक अथी को तोलता है तो वो कूद के भागता रहता है, उस तरह से सब कूद कूद के भागता है। तो गठबंधन को गठबंधन कहते क्यों, मानते क्यों है? इसलिए उससे भाजपा को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी, इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।